तो वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी भूज खाते पहुंची चुक्या छे। भूज में स्मृति वन नु लोकार्पण तेओ द्वारा करवामां आव्युं छे। मोटी संख्या में अहींया लोको पण वडाप्रधान ने आवकारवा माटे पहुंची चुक्या छे अने हवे धीमे धीमे तेओ सभा स्थळ पर पण पहुंची चुक्या छे। तो पीएम मोदी भूजना प्रवासे अने हवे ते तमाम जग्याए मुलाकात करी रह्या छे। लोको साथे सीधो संवाद पीएमना आगमन ने लईने कच्छमां लोकोमां अनेरो उत्साह जोवा मळी रह्यो छे। निहाल वडाप्रधान तमाम जग्याए जे मुलाकात स्मृतिवननुं जे निर्माण करवामां आव्युं छे ते समग्र जग्यानी मुलाकात वडाप्रधान लई रह्या छे। पीएम मोदी जेवा कच्छ आवता ज रस्तानी बने तरफ भारे भीड ना जे दृश्यो समग्र सर्जाया हता। हवे भूजमां स्मृतिवन नुं लोकार्पण करी देवामां आव्युं छे। कच्छवासीओ माटे आ एक भेट स्वरूपे विकास कार्योनी भेट वडाप्रधाने आपी छे। भूजमां मोटी संख्यामां लोकोए भावभीनुं स्वागत कर्युं। आजनो दिवस खास कारण के 2001 आवेला भयानक भूकंपनी स्मृति आजे फरी एक वखत जागृत थई गई छे। पीएम मोदी हस्ते स्मृतिवन तथा वीर बाड़क स्मारक नु आज जी लोकार्पण सीधा जी आ दृश्य छे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ का जो ये अत्याधुनिक आपके सामने आएंगे अल्लाह गंगा और पारंपरिक प्रथाओं की 2001 के भूकंप के उस विध्वंसक दिन को होलोग्राम फिल्म और ऑडियो के जरिए दर्शाते हैं। तो हमने आपको जो अभी तस्वीरें दिखाई उसमें आपने देखा है किस तरह से प्रधानमंत्री एक बड़े से प्रोजेक्टर के सामने बैठे हैं और कुछ दृश्यों को देख रहे हैं। हम आपको बता दें वो क्या था। दरअसल यहां का इस वक्त जो आप देख रहे हैं स्मृति वन जो ये स्मारक है ये दरअसल 7 थीम्स पर बेस्ड ये एक संग्रहालय है स्मारक है। उसको 7 अलग अलग खंडों में बांटा गया है। पुनर्जन्म पहला खंड है, पुनर्जन्म, पुनः खोज दूसरा खंड, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, पुनर्विचार, पुनर्जीवन और नवीनीकरण। तो ये 7 अलग अलग खंड हैं इस स्मृतिवन स्मारक में और प्रधानमंत्री इन्हीं में से कुछ खंडों का वो जायजा लेते हुए पुनर्जन्म, पुनः खोज, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, पुनर्विचार, पुनर्जीवन और नवीनीकरण। ये आप देख सकते हैं जो 7 खंडों में से जो नंबर 1 पहला खंड है पुनर्जन्म का, उसका प्रधानमंत्री वो जायजा और मुआयना करते हुए। पहला खंड जो है पुनर्जन्म वो आधारित है, जो थीम है वो आधारित है पृथ्वी के विकास और पृथ्वी द्वारा हर बार जीतने की क्षमता को दर्शाता है, जिसका कि प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। हम आपको फिर से बता दें कि ये जो पहला खंड आपने देखा वो पुनर्जन्म की थीम पर आधारित है, जो कि पृथ्वी के विकास, कैसे पृथ्वी का विकास हुआ और पृथ्वी द्वारा हर बार चाहे तमाम वो विपरीत परिस्थितियां हों, उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी पृथ्वी द्वारा हर बार जीतने की उस क्षमता को दर्शाने का इसमें काम किया गया है। ये पहला खंड, पहला थीम पुनर्जन्म पर आधारित आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री उसी पहले खंड का मुआयना करते हुए। पुनर्जन्म की थीम पर आधारित ये पहला खंड पृथ्वी के विकास और उसके द्वारा हर बार जीतने की क्षमता को इस पहले खंड में दर्शाया गया है। तस्वीरों में हम आपको आगे दिखाएंगे दूसरा खंड। दूसरा खंड क्या है? दूसरा खंड है पुनः खोज। ये गुजरात की स्थल आकृति जो गुजरात के जो
जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, भौगोलिक बनावट है उसकी, उसकी स्थलाकृति और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं को प्रदर्शित करता है, जिनके प्रति ये राज्य हमेशा से ही संवेदनशील रहा है। पहला खंड पुनर्जन्म और दूसरा खंड पुनः खोज, कि किस तरह से जो गुजरात और वहां की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस रहे हैं, उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ये एक और खंड आपने, हमने आपको पार्ट वन दिखाया था, अब ये दूसरा पुनर्जन्म पुनः खोज हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से सात अलग अलग थीम पर आधारित है। यहां सात अलग अलग खंड बनाए गए हैं इस स्मृति वन का, और ये उन्हीं उसी जो पहला खंड है, जो फर्स्ट थीम है, उस पर आधारित, ये पुनर्जन्म पर आधारित, जो कि पृथ्वी के विकास आप देख सकते हैं और उसके द्वारा हर बार उसके जीतने की क्षमता को दर्शाने की कोशिश की गई है।